80 के दशक में बॉलीवुड में आते ही अपनी मासूम खूबसूरती से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली अभिनेत्री मंदाकिनी को आज भी ज्यादातर लोग कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रेमिका के तौर पर जानते हैं। दरअसल शुरुआती शोहरत के बाद जल्द ही गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से उनके संबंधों का दावा करने वाली तस्वीरें मीडिया में आ गई थी। हालांकि मंदाकिनी ने उन्हें अफवाह बताते हुए दाऊद से किसी भी तरह के संबंध होने की खबरों का पुरजोर खंडन किया, पर उन अफवाहों की छाया से कभी बाहर नहीं निकल पाई और संभावनाओं से भरा एक करियर पटरी से उतर गया। अंततः वे रूपहले पर्दे से गायब होकर गुमनामी की दुनिया में कहीं खो गई। हमने विवादों की चहेती मंदाकिनी के जीवन के कुछ पन्ने तलाशने की कोशिश की, यह भी पता लगाना चाहा कि इन दिनों वे कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। वर्ष 1985 में शोमैन राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म राम तेरी गंगा मैली के रिलीज होते ही मासूम से चेहरे वाली मंदाकिनी नामक एक किशोरी रातों रात सुर्खियों में छा गई। चूंकि वह राज कपूर की खोज थी, इसलिए रातों रात एक मशहूर अभिनेत्री बन गई। झरने के नीचे का वह दृश्य जिसमें उसने बिना ब्लाउज के सफेद साड़ी पहनी थी और गंगा द्वारा अपने बच्चे को दूध पिलाने का सीन देखने के लिए दर्शक सिनेमा घरों में टूट पड़े। वह लड़की थी मेरठ की एंग्लो इंडियन परिवार से संबंध रखने वाली यास्मिन जोसेफ। ब्रिटिश पिता और कश्मीरी माँ की संतान यास्मिन फिल्मों में करियर बनाना चाहती थी। मेरठ से मुंबई आने पर शुरुआत में 3 फिल्मकार उसे नकार चुके थे। निर्देशक रंजीत विर्क ने यास्मिन को माधुरी नाम दिया और उसे अपनी फिल्म मजलूम के लिए साइन किया। मजलूम की शूटिंग शुरू होती उससे पहले ही यास्मिन मिली शोमैन राज कपूर से। राज कपूर अपने छोटे बेटे राजीव को लॉन्च करने जा रहे थे। फिल्म की फीमेल लीड के लिए उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जिसमें देहाती मासूमियत हो। वे उस लड़की को बिना ब्लाउज के सफेद साड़ी पहने झरने के नीचे नहाते हुए दिखाना चाहते थे। राज कपूर की तलाश खत्म हुई अभिनय के लिहाज से बिल्कुल नई और अप्रशिक्षित यास्मिन पर आकर। बेहद शर्मीली और सीधी सादी लड़की यास्मिन में राज कपूर को वह बात दिखी। राम तेरी गंगा मैली के उस दृश्य ने यास्मिन, जिसे राज कपूर ने मंदाकिनी नाम दिया था, को लोगों के मस्तिष्क में हमेशा हमेशा के लिए अंकित कर दिया। जैसा कि बॉलीवुड में बाहर से आने वाले ज्यादातर लोगों के साथ होता है, मंदाकिनी ने भी फिल्मों के चुनाव के मामले में एक के बाद एक गलतियां की। फ्लॉप होने के बाद भी, चूंकि वो शोमैन की खोज थी, इसलिए लगभग 10 साल तक इंडस्ट्री में टिकी रही। खैर, बात करते हैं फिल्मों के उनके चुनाव के बारे में। अपनी पहली फिल्म के बाद मंदाकिनी ने धड़ाधड़ फिल्में साइन करना शुरू की। उनके दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि एक अभिनेत्री का करियर बमुश्किल 5 से 7 साल लंबा होता है। उनकी दूसरी किसी भी फिल्म को राम तेरी गंगा मैली जितनी सफलता नहीं मिल पाई। केवल डांस डांस प्यार करके देखो, जीते हैं शान से, तेजाब और मालामाल के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ हद तक कामयाब रही। उनमें से भी आखिरी दोनों फिल्मों में वे सहायक भूमिका में थी। 80 के दशक को भारतीय सिनेमा के सबसे रिग्रेसिव दौर के तौर पर जाना जाता है। उन दिनों स्क्रिप्ट से ज्यादा अहमियत इस बात को दी जाती थी कि आप किस अभिनेता या अभिनेत्री के साथ काम करने जा रहे हैं। मंदाकिनी ने अपने दौर के सभी बड़े सितारों के साथ काम किया था, जैसे धर्मेंद्र, मिथुन, गोविंदा, चंकी पांडे। वैसे तो अंदर के सूत्रों की माने तो मंदाकिनी के पास चुनाव करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता था। उनके अंग्रेज पिता जोसेफ चाहते थे कि वे हर फिल्म साइन करें जिसमें उन्हें ज्यादा पैसे मिल रहे हों, फिर स्क्रिप्ट चाहे कैसी भी हो। उन्होंने मंदाकिनी को पर्सनल सेक्रेटरी नहीं रखने दिया था। उनकी कमाई का हिसाब किताब वे खुद करते थे। इसी वजह से उनकी माँ, जो कि एक कश्मीरी मुस्लिम थी,
कि जोसेफ से लड़ाई होती रहती थी। वो चाहती थी कि मंदाकिनी को अपने करियर से जुड़े फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए, जबकि उनके पिता इस बात को लेकर सख्त थे कि वो क्या खाएं और क्या नहीं, ताकि उनका वजन ना बढ़ने पाए। स्क्रीन पर मादकता और मासूमियत की प्रतिमा बन चुकी मंदाकिनी एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों के बावजूद दर्शकों की चहेती बनी हुई थी। कई फिल्मकार उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, चाहे रोल छोटा सा ही क्यों ना हो। उनकी नीली आंखों का जादू दर्शकों को मदहोश कर देता था, लेकिन अंडरवर्ल्ड से उनके संबंध होने की अफवाहों ने उनके करियर की चमक फीकी कर दी। वर्ष 1994 के आसपास दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी तस्वीरें मीडिया के हाथ लगी। कहा जाने लगा कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और यह भी कि मंदाकिनी की फिल्मों में दाऊद का पैसा लगता है। दाऊद के बारे में बताया जाता है कि वह फिल्मों के कारोबार में खासी रुचि रखता था और फिल्मी अभिनेत्रियां उसकी कमजोरी थी। दाऊद के साथ संबंध होने की अफवाह और बढ़ते वजन के चलते मंदाकिनी को फिल्मों के ऑफर मिलना बंद हो गए। कई लोग यह भी कहते सुने गए थे कि मंदाकिनी ने दाऊद इब्राहिम से विवाह कर घर बसा लिया है। मंदाकिनी ने कई बार इन अफवाहों का खंडन किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाने से घबराने लगी, क्योंकि पत्रकारों के सवाल इसी से जुड़े होते थे। संभावनाओं से भरा उनका करियर ढलान की ओर था। मंदाकिनी को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सुकून मिलने लगा। वे दलाई लामा के प्रवचन सुनने जाने लगी। वहीं उनकी अपने भावी पति डॉक्टर केग्यू टी रिनपोंचे तेंजिन लुंगटोक से मुलाकात हुई। मनाली में जन्मे डॉक्टर लुंगटोक से मंदाकिनी की शादी कब हुई, इस पर मीडिया के अलग अलग हलकों में अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि दोनों ने वर्ष 1990 में शादी की थी, तो कुछ वर्ष 1995 में उनके विवाह में बंधने की बात कहते हैं। मंदाकिनी बड़े पर्दे पर आखिरी बार वर्ष 1996 में फिल्म सूरदार में दिखी थी। इन दिनों डॉक्टर लुंगटोक मुंबई के अंधेरी उपनगर में तिब्बती दवाइयों से उपचार करने वाला क्लिनिक चलाते हैं, और मंदाकिनी भी इस इलाके में तिब्बती योग सिखाती हैं। दोनों एक बेटे और एक बेटी के माता पिता हैं। वर्ष 1998 में मंदाकिनी नो वैकेंसी और शामबाला नामक दो म्यूजिक वीडियोस में नजर आई थी। वो वीडियोस उन्होंने एक फैन के आग्रह पर बनाए थे, उसी ने प्रोड्यूस भी किया था। 2010 में मंदाकिनी ने घोषणा की कि वे अपने पति के साथ मिलकर द लॉस्ट कंट्री नामक फिल्म का निर्देशन करना चाहती हैं। उस फिल्म में तिब्बत के उन रिफ्यूजियों के विस्थापन का दर्द होगा जो तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। हालांकि आगे चलकर उस फिल्म का क्या हुआ किसी को खबर नहीं। मंदाकिनी अब यास्मिन नाम से सुर्खियों से दूर एक शांत जिंदगी बिता रही हैं। वे तिब्बती समाज की भलाई के लिए किए जा रहे अपने पति के कामों में हाथ बटा रही हैं। इंटरनेट पर उनके फैन पेजेस भी हैं, जिनमें उनकी फिल्मों के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। गीली सफेद साड़ी में लिपटी मंदाकिनी हमेशा लोगों की याद में बनी रहेगी। कोई यकीन से नहीं बता सकता कि राज कपूर से मिलने से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए अपने अंतिम साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि वे चाहती हैं कि उनके भविष्य पर उनके अतीत का साया ना पड़े। वे एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती हैं, एक माँ और एक पत्नी की जिंदगी। आज मंदाकिनी अतीत को पीछे छोड़कर वैसी ही जिंदगी जी रही हैं। मीडिया में आज भी उनके बारे में कभी कभी बातें हो जाती हैं। हाँ, लोगों के जहन में झरने के नीचे नहाती वह लड़की आज भी बनी हुई है, और दाऊद की माशूका होने का कभी न धुलने वाला दाग भी मंदाकिनी की छवि पर बरकरार है।